नमस्कार पेरेंट्स पेरेंट्स, आज के वीडियो में हम अपना लास्ट वीडियो जो था पार्ट वन की बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, उसमें हमने लिम्फैटिक पंप एक्सरसाइजेस के बारे में बात किया था। अब हम पार्ट टू बना रहे हैं, जिसमें हम और क्या नेचुरल तरीके हैं जिससे हम अपने बच्चे की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए पेरेंट्स, बच्चे बार बार क्यों बीमार हो रहे हैं? बच्चा क्या, कोई भी फॉर दैट मैटर, बार बार क्यों बीमार होता है? क्योंकि जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं, या तो वो कम हैं या इनएक्टिव हैं, एक्टिव नहीं है। जब भी हम बीमार होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हमारा फीवर आता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार आ जाता है, और वो एक डायरेक्ट साइन है कि आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है जो इन्फेक्शन फैला रहा है। फीवर क्यों आता है? वो बॉडी का तरीका है रिस्पॉन्स करने का। जब फीवर आता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सेल्स हैं, जो इन वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ते हैं, इनकी, ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं, इनकी मात्रा, द नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है। फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन बॉडी टेम्परेचर, ऑलमोस्ट 5 to 6 times हमारे इम्यून सेल्स ग्रो करते हैं, राइट? तो क्या हम नेचुरल तरीकों से अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते? बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? नंबर 1, हम मसाज करेंगे। जब हम बच्चों का मसाज करते हैं तो बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। बॉडी मसाज, जैसे बचपन में हमारी दादी नानियाँ करती थी ना, वैसे। अगर नहीं है समय आपके पास मसाज करने का, तो एटलीस्ट उनकी हथेलियों को और उनके पैरों के तलवों को, सोल्स को अच्छे से रब कर दीजिए। तेल लगा के थोड़ा सा इतना रब कीजिए कि आपके खुद के हाथ गर्म हो जाए। तो मसाज इज अ नेचुरल वे ऑफ इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर। उसमें आप, अभी ठंडियां हैं तो आप थोड़ा गर्म तेल भी यूज कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल गर्म होता है, यूज कीजिए। कोकोनट ऑयल थोड़ा ठंडा होता है। सो मसाज इज नंबर 1। नंबर 2 इज एक्सरसाइज। कुछ नहीं तो एटलीस्ट 20 मिनट दिन का, आप 20 मिनट कंटिन्यूस नहीं करता बच्चा कोऑपरेट, ठीक है, 5 5 5 5 मिनट करके कोई एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हमारे बच्चे का पसीना निकले, थके वो, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, टैम्पोलिन पे जंप करना, भागना, स्लाइड चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, बच्चे का थकान हो, पसीना निकले, एक्सरसाइज। नंबर 3, बच्चों को गर्म कपड़े पहनाइए। नहीं पहनते बच्चे हमारे यहाँ, हम मुंबई में इतना वेरिड वेदर होता है, सुबह अलग वेदर होता है, दोपहर में गर्मी हो जाती है, शाम और सुबह ठंडी होती है, बच्चे लेयर्स ही नहीं पहनते, एक सिंगल टी शर्ट, एक सिंगल पजामे में आ जाते हैं। नहीं, उनको लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहनाइए, एक बनियान, बनियान के ऊपर टी शर्ट, टी शर्ट के ऊपर जरूरत है तो एक और फुल स्लीव की टी शर्ट, स्वेटर, लेयर्स में पहनाइए। बच्चे नहीं पहनते, हाँ ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ बच्चे कुछ टेक्सचर्स, कुछ वुलन टेक्सचर्स, सॉक्स, कॉलर्स नहीं पहनते। उसके लिए बच्चों को उन टेक्सचर्स से बार बार रब कीजिए ताकि धीरे धीरे वो एक्सपोज हों, डिसेंसिटाइज हों। नो, हमारे शरीर के 3 हिस्से कवर होना बहुत ज़रूरी है बच्चे को बचाने के लिए। एक हमारा गला, गला कवर होना ज़रूरी है। एक हमारा रिस्ट, ये जहाँ हम घड़ी पहनते हैं, तो बड़े स्वेटर्स, और एक एंकल, या तो पजामा या फिर सॉक्स। ये 3 पॉइंट्स कवर करिए बच्चों के, अगर आपका बच्चा एक्सेप्ट करता है। अगर नहीं एक्सेप्ट करता तो एटलीस्ट उन पार्ट्स को अभी से अलग अलग कपड़ों के टेक्सचर से रब करना शुरू कीजिए ताकि धीरे धीरे वो थोड़ा तो डिसेंसिटाइज हो। वो स्वेटर एक्सेप्ट नहीं करता, सॉक्स एक्सेप्ट नहीं करता, रब कीजिए कि
कीजिए उसकी कलाइयों पे, उनके एंकल्स पे, उनके गले के अराउंड, ताकि वो डिसेंसिटाइज होके पहने. राइट पेरेंट्स? सो मसाज, एक्सरसाइज, गरम कपड़े और कुछ ऐसी खाने के पदार्थ जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट जनरेट करते हैं. हमारे स्पाइसेस, हल्दी, टर्मरिक पाउडर जिसको बोलते हैं, बच्चे को जो आप खिलाते हैं, आप बच्चे को रोटी खिला रहे हैं उसमें थोड़ा डाल दीजिए, आप बच्चे को पराठा खिला रहे हैं उसमें एक डाल दीजिए. अगर कुछ बच्चे हैं चलो GFCF डाइट फॉलो करते हैं तो ठीक है, अगर पर अगर नहीं करते तो इस फॉर्म में खिला दीजिए. डोसा बनाया, थोड़ा सा डाल दिया. बच्चा अगर आपका केसीन लेता है, अगर दही दूध लेता है, तो थोड़ा थोड़ा दही में डाल दिया. दूध की मात्रा कम ही रखिए, वो तो सही बात है, चाहे आप GFCF फॉलो करें या ना करें, दूध बच्चे को मत पिलाइए, लेकिन दूध के बने हुए पदार्थ, पनीर हो गया, दही हो गया, ये इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के दीजिए. जो आपका बच्चा खाता है उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए. राइट? फिर हमारा अदरक, लहसुन इतना गर्म होता है, गर्माहट प्रोड्यूस करता है. हाँ, खिलाएं कैसे बच्चे को, बहुत मेजर प्रॉब्लम. देखिए पेरेंट्स, हमको बच्चे को ना बहुत ज्यादा मात्रा नहीं खिलानी है, हमको बच्चे को रोज थोड़ा थोड़ा खिलाना है. एकदम से हमारे बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं ओडर को, स्मेल को, टेस्ट को, एक बूंद भी आप उनको उनकी मर्जी के बिना निगलवा नहीं सकते, अगर वो ना निगलना चाहे. उस पे अलग से काम करते करते समय लगता है, बट तब तक तो क्या करें ना. तो अदरक जैसे हो गया, चलिए चाय में डाल दीजिए अगर बच्चे को देते हैं तो. पर चाय में डालेंगे तो वो उबलेगा, उबलने से उसका उतना इसेंशियल, मतलब उसमें उतनी गर्माहट नहीं रहती. बेटर है कि आप उसका जूस निकाल दीजिए, उसको थोड़ा कूट के जूस निकाल दीजिए. एक बूंद, दो बूंद हनी में मिक्स करके पिला दीजिए. नहीं पीता बच्चा आपका, हनी भी नहीं लेता, जस्ट हाथ भर में थोड़ा सा हनी ला के एक बूंद चटवा दीजिए. शुरुआत बहुत छोटे से होगी, बहुत छोटे से. आप एक्सपेक्ट करो कि मैं पूरा एक चम्मच अदरक का जूस अपने बच्चे को पिला दूंगी, तो ऐसा नहीं होगा. एक बूंद जाएगा, जस्ट वन बूंद, वन ड्रॉप. गार्लिक हो गया, लहसुन, बच्चे गार्लिक ब्रेड पसंद करते हैं, अगर आप बच्चों को बटर देते हैं तो बटर में थोड़ा सा गार्लिक मिक्स कर दीजिए. गार्लिक बटर भी अवेलेबल है बाजार में, या फिर नॉर्मल लहसुन का तड़का. अगर आपका बच्चा, कुछ बच्चे बहुत मन से खाते हैं लहसुन का तड़का लगा दिया दाल में, सब्जी में, उस फॉर्म में खिला दीजिए. ये तीन तो हर घर में मिल जाएगा, कोई महंगा पदार्थ नहीं है, हर घर में अवेलेबल है अदरक और हल्दी का पाउडर. ये तो आप बच्चे के साथ तुरंत शुरू कर दीजिए. ठीक है पेरेंट्स? सो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना है बच्चे का, तरीके आपको बता दिए मैंने. नंबर टू, उनका पर से उनका डाइट, उनका खाना. हमारा हमारा क्या, हर माँ का यही लक्ष्य होता है कि मेरे बच्चे का पेट भर जाए. और एक बच्चा जिसको सेंसरी इश्यूज हैं, जो वैसे ही पिकी ईटर है, उसके माँ को तो सिर्फ क्वांटिटी दिखती है, क्वालिटी नहीं दिखती, विच इज एब्सोल्युटली ओके. लेकिन द प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे बच्चे बहुत पिकी ईटर हैं, उसके कारण से भी उनकी इम्यूनिटी को इश्यूज होते हैं. और हमारा पूरा ध्यान होता है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की तरफ, हम मिनरल्स और विटामिन्स को ध्यान ही नहीं देते. ये बहुत जरूरी है इम्यूनिटी के लिए. विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कहाँ से लाएं? विटामिन सी बेसिकली खट्टी चीजें, आंवला, नींबू, संतरे, ये है विटामिन सी. मेरा बच्चा खट्टा खाता नहीं, अब क्या करें? ठीक है, नहीं खाता, चलो जूस बनाएं, थोड़ा सा थोड़ा सा बनाएंगे. अब आप बोलो कि मैं पूरा ग्लास पिलाऊंगी, नो 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 नो. ऑलवेज पेरेंट्स, कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो, तभी आपको निराशा जल्दी नहीं आएगी, बर्नआउट जल्दी नहीं आएगा. अब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाओगे ना, फिर प्रॉब्लम. दो चम्मच पिलाना है बस, ठीक है ओके. ऑरेंज जूस बनाया,
उसमें हल्दी डाल दी थोड़ी सी, उसमें हनी डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब बच्चे को पिलाना शुरू किया, इस फॉर्म में पिलाइए। अगर आप स्मूदी बनाते हैं, अगर आप दूध देते हैं तो स्मूदी के फॉर्म में पिला दीजिए। स्मूदी बना के उसमें एक चम्मच ऊपर से मिक्स कर दिया ऑरेंज का जूस, वो अगर आप बच्चे को दूध देते हैं तो, या अगर आप आलमंड मिल्क देते हैं, सोया मिल्क देते हैं, तो उसमें मिक्स करके पिला दीजिए। थोड़ा हनी डाल दीजिए, डेट्स डाल दीजिए, तो ये विटामिन सी का सोर्स हो गया। विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। कहाँ से मिलेगा? हमारे ड्राई फ्रूट्स से, आलमंड्स, बादाम, अखरोट, ये भी कुछ बच्चे उस टेक्सचर को बर्दाश्त नहीं करते, च्यू नहीं करते, तो उसको भी पाउडर करके उसी जूस में या उसी स्मूदी में थोड़ा सा डाल दिया, उस फॉर्म में पिला सकते हैं। अगर बच्चा खा ले तो बहुत अच्छा, बट ना खाए तो इस फॉर्म में खिलाएंगे। विटामिन ए हमारे ग्रीन हरी सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स, जैसे हमारा पालक हो गया, मेथी हो गया। फिर एक और जो बहुत अच्छा सोर्स है वो है फ्लैक्स सीड्स, अलसी। अलसी को भूंज के पीस के रख लीजिए, जहां आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, जूस में, सूप में। ऊपर से अगर आपका बच्चा दलिया खाता है, अगर आपका बच्चा खिचड़ी खाता है, उसमें एक चम्मच भी छोड़ दिए, एक चौथाई चम्मच मिक्स कर दीजिए और खिलाइए। दलिया फॉर्म में एक माँ ने मुझे बताया था कि वो ऊपर से उसमें अलसी के पाउडर डाल देती थी और खिलाती थी, तो बच्चा खा लेता था, थोड़ा मीठा करके दलिये को खा लेता था। अलसी, फ्लैक्स सीड्स, फंटास्टिक सोर्स ऑफ ना सिर्फ विटामिन, ओमेगा 3। हमारा ओमेगा 3, जिसके लिए आप इतना पैसा देते हैं बच्चे को खिलाने के लिए, उसका इतना अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है ये। हजार हजार रुपए की बॉटल आती है ओमेगा 3 की बाजार में। फ्लैक्स सीड्स नेचुरल सोर्स है, वो खिलाइए। देखिए पेरेंट्स, ये जो मैं आपको बता रही हूं ना, ये ठीक है आप, पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हर बच्चे का यार्डस्टिक अलग है। एक बच्चा अलसी खा लेगा, दूसरा नहीं खाएगा। एक बच्चा खटास एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरा नहीं करेगा। एक बच्चा ड्राई फ्रूट्स खाता है, दूसरा नहीं खाता है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मैंने जो तरीके माओ से सुने वो नोट करके मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप कोई और तरीके से ये सब इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने बच्चे के डाइट में, प्लीज़ उसको कमेंट्स में डालिए, ताकि और माँ बाप पढ़ के उस चीज़ को यूज़ कर सके अपने बच्चे के लिए। ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो एक्सपीरियंस आपका है उसको मैं नहीं मैच कर सकती। जो माँ वो 24 घंटे उस बच्चे के साथ है, उसकी एक 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 जरूरत का ख्याल रख रही है, उसको मेरे से 100 गुना ज्यादा ये प्रैक्टिकल चीजें आती हैं। सो प्लीज आप बताइए मुझे कि कैसे करना है, ये ज्ञान जो है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर आपके पास कोई और तरीके हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, लोगों तक पहुंचाइए। हम भी सीखते हैं और भी माँ बाप को बहुत फायदा होता है। मैं भी फिर जाके अपने सेंटर में, क्लास में जाके पेरेंट्स को वो चीज़ें बता पाती हूँ। तो एक होता है कि हम किताबों से सीख लेते हैं, और एक होता है हम काम करते करते सीखते हैं उस बच्चे के साथ। तो व्हेन इट कम्स टू डाइट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, आप मेरे से बेटर जानते हैं ऑलवेज। सो ये हो गई विटामिन्स की बातें। देन देर आर हमारे जो मिनरल्स हैं, जैसे जिंक हो गया, सिलेनियम हो गया, ये बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, पर इसकी ज़रूरत भी हमारे शरीर को है, हमारे बच्चों के शरीर को है। हर्ब्स होते हैं, ड्राइड हर्ब्स का पूरा एक शीशी आता है, वो जहाँ आप इम्प्लीमेंट कर सके। पोहा खाता है आपका बच्चा, उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया। चावल खाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया। नट्स होते हैं जो क्या बोलते हैं, ब्राज़ील नट्स, मुश्किल है मिलना, हर जगह मिलते नहीं हैं। फिर हमारी नेचुरल चीज़ें जैसे शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च को ही थोड़ा टाइम लगेंगे वो लाल हो जाती है। लाल शिमला मिर्च इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ मिनरल्स, वो खिलाइए बच्चे को। जितने भी बेरीज होते हैं,
बेरीज मतलब रस बेरी, स्ट्रॉबेरी, अगर आपका बच्चा खाता है, अगेन रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, तो जितने भी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे हरी सब्जियां हो गई, लाल शिमला मिर्च हो गई, पपीता हो गया, पपाया, कीवी हो गया, ये सब बहुत रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं, तो इनको, और ये थोड़े कलरफुल भी हैं, कुछ बच्चे खा लेते हैं, तो ये सप्लीमेंट्स, ये इंग्रेडिएंट्स, सस्ते इंग्रेडिएंट्स अपने बच्चे के डाइट में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनकॉर्पोरेट कीजिए पेरेंट्स। इट इज नॉट द क्वांटिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे वैसे ही कम लेंगे। इट इज कि हम रोज दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वो लॉन्ग रन में आपको फायदा देगा, राइट पेरेंट्स? सो द डाइट बहुत जरूरी है। इसमें डाइट में जो चीजें आप इमिजिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो एटलीस्ट हल्दी, अदरक, खट्टे फल, ड्राई फ्रूट्स, अलसी, ये आप इनमें से जितना भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, या आप जितनी जल्दी इनकॉर्पोरेट करें, उतना जल्दी बच्चे की शारीरिक क्षमता, शारीरिक ताकत बढ़ेगी, राइट? एंड लास्टली जो सबसे जरूरी है वो है बच्चे की नींद, स्लीप। बच्चे का सोना बहुत जरूरी है, रात का सोना। बहुत पेरेंट्स कहते हैं कि मैम रात को नहीं सोता, तो हम दिन में उसको दोपहर में जब सोता है हम सोने देते हैं। रात का सोना जरूरी है, नाइट टाइम स्लीप, एटलीस्ट 7-8 घंटे की। वो बच्चे के कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से अगेन हमारे इम्यून सिस्टम को परेशानी होती है, हमारे इम्यून सेल्स इनएक्टिव होते हैं, इसलिए सोना बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा नहीं सोता, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक शेयर कर रही हूँ स्लीप रूटीन का, वो देखिए और वो भी बच्चे को इनकॉर्पोरेट कीजिए, राइट पेरेंट्स? सो ऑल इन ऑल क्या करना है? सबसे पहली चीज, बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना है, गर्माहट देनी है शरीर को, मसाज से, एक्सरसाइज से, गर्म कपड़ों से, और गर्म चीजें खिलाकर, जितना हम खिला सके थोड़ा थोड़ा। नंबर टू, बच्चे के डाइट पे हमें ध्यान देना है, सिर्फ पेट भरने पे नहीं, बट सही कुछ कुछ चीजें जो जरूरी हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सही हमारे बच्चे के अंदर जाए। और तीसरा, उनकी स्लीप को रेगुलराइज करना बहुत जरूरी है, राइट पेरेंट्स? सो ये सब करना मुश्किल है, बट स्टार्ट ट्राइंग, प्लीज स्टार्ट ट्राइंग, राइट? कंसिस्टेंट एफर्ट्स, स्मॉल एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स इज द की टू सक्सेस, राइट पेरेंट्स? सो प्लीज ट्राई इट एट होम। आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, आपके तरीके शेयर कीजिए, एजुकेट अस, शेयर दिस वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट द शक्ति स्प्रेड। विजय भव, तथा अस्तु, नमस्कार।